भूरिया की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में अंबेडकर युवक संघ का जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन, आरोपियों को फांसी देने की करी मांग। आपको बता दें कि दिल्ली के कैंट गांव में गुड़िया के साथ हुई दर्दनाक घटना को लेकर अंबेडकर युवक संघ में भारी रोष उत्पन्न है। घटना की निंदा करते हुए सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध जताते हुए संघ से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अंबेडकर युवक संघ के पदाधिकारियों ने रोष जताते हुए कहा कि दिल्ली में गुड़िया के साथ जो घटना हुई है वे वाल्मीकि समाज के लिए काफी दर्दनाक है, इसलिए वाल्मीकि समाज गुड़िया के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग करते हैं। अगर हत्यारों को फांसी नहीं दी गई तो अंबेडकर युवक संघ और आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। संगठनों के नेतृत्व में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ज्ञापन देने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय जी को दिल्ली के अंदर, जो 1 तारीख को बहन किशोरी वाल्मीकि के साथ जो ये दुष्कर्म किया, पहले उसको उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे शमशान घाट में जिंदा जलाने का काम किया। 1 तारीख की यह घटना है और अभी तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है और सारे संगठन पूरे दिल्ली के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर ये ज्ञापन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। और अब हमारा प्रण है कि हम दलितों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम अब इसके लिए बैठेंगे नहीं घरों में, हम रोड पर उतरेंगे, क्योंकि जब तक ये फांसी का कानून ये उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार नहीं बनाएगी तब तक हम रोड पर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज राष्ट्र जिलाधिकारी महोदय माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि उन हत्यारों को फांसी दी जाए और भी जो दलितों पर उत्पीड़न हो रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको रोका जाए। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर हमें अपने हाथ में कानून व्यवस्था लेनी पड़ेगी और जब आम जनता सड़कों पर उतरेगी फिर ये प्रशासन या सरकार हमको रोक नहीं पाएगी और हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य करने पर विवश हो जाएंगे।